अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर एंड टुडे वी विल रीड द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द साइंस फैक्टर द ग्रेट फोर बुक. ओके, द ग्रेट फोर. ओपन द फर्स्ट चैप्टर. सो यूनिट नंबर वन, द ह्यूमन बॉडी. ग्रेट फोर, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है. द ह्यूमन बॉडी, द ह्यूमन बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी होती क्या है? ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म. सो इस चैप्टर में हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंसानी जिस्म के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. अंडर द माइक्रोस्कोप, अ माइक्रोस्कोप इज़ द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डेट मेक थिंग अपियर मच लार्जर देन दे एक्चुअली आर. They are used to study cannot seen by the human eye. Thing that the cannot seen by the human eye are the said to be the microscope because they can only be seen through a microscope. Okay, microscope होता क्या है? Look at here. Microscope इस तरह की एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि साइंटिस्ट अपने पास यूज़ करते हैं और स्कूल वगैरह, कॉलेज लैब वगैरह में भी यूज़ होता है. अच्छा, ये हमें क्या काम देता है माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप हमें ये काम देता है कि जो ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी आम आंख से नहीं दे सकता, वो छोटी सी छोटी चीज़ जिसको इंसान अपनी आम आंख से नहीं देख सकता, इस माइक्रोस्कोप की हेल्प, इसके लेंसेस की हेल्प से हम इजीली उसको देख सकते हैं बड़ा करके. ठीक है, जो भी छोटी से छोटी चीज़ें हमें नज़र नहीं आएगी, जैसे हमारा ब्लड में हमारे सेल होते हैं, हमें आम आंख से नज़र नहीं आएंगे, बट उस ब्लड का ड्रॉप अगर हम इसकी स्लाइड पे रख के देखें तो हमें उसके सेल बड़े बिगेस्ट होकर नज़र आएंगे. सेकंड लेक्चर, ग्रेड फोर स्किन. ग्रेड फोर हमारे पास सेकंड लेक्चर है हमारा स्किन. आपको पता है हमारी स्किन क्या होती है? हमारी स्किन जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है. इसके अलावा हमारे जो नो अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी टेक अप द मच स्पेस. हमारी जो स्किन है क्या करती है? हमारी स्किन मुख्तलिफ काम करती है. ठीक है, जो कि हमारे पास है, हमारी स्किन पहले होल्ड करती है हमारी एवरीथिंग, जो भी चीज़ें इनसाइड योर बॉडी उनको होल्ड करती है, अपनी जगह पे रखती है. एंड स्किन प्रोटेक्ट करती है हमारे बॉडी पार्ट्स को. ठीक है, हमारी बॉडी पार्ट को फ्रॉम द डिजीज, बीमारियों वगैरह से. इसके अलावा जो हमारी स्किन है, मेक श्योर योर बॉडी केप इन द राइट टेम्परेचर. हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइट रहे. ठीक है, इसके अलावा स्किन जो है हमें प्रोवाइड करती है सेंस टू द टच. टच करने का सेंस भी प्रोवाइड करती है. हमारे स्किन के जो सेल होते हैं वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं जब भी दे नीड. यू आर द लूजिंग, जब भी हम लूज़ करते हैं तो ऑल टाइम ये खुद ही वहाँ हमारी स्किन में लूज़ हो रहे होते हैं एंड दोबारा नए सेल हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं जब भी. और योर स्किन जो हमारी बॉडी से लॉस होते हैं अबाउट द 30000 टू द 40000, ये डेड स्किन सेल कहलाते हैं हमारे. फ्रॉम इट हमारी स्किन सरफेस में एवरी मिनट, हर एक मिनट में. एंड द मोस्ट एंड मोस्ट हाउसेस होल्ड द डस्ट, जो हमारी डस्ट होती है इन द डेड सेल. द थर्ड लेक्चर इज आई, हमारा आइज. ठीक है, हमारी आइज, वी हैव टू आइज, सबको पता है. हमारी आइज जो हमारी बॉडी पार्ट का मेन हिस्सा होती हैं, जो कि हमें एनेबल, इस काबिल बनाती हैं कि हम अपनी दुनिया को देख सकें, दुनिया के कलर, शेप, हर चीज़ को देख सकें. हमारी आइज कैसे वर्क करती हैं? जब लाइट की रेजेस गिरती हैं किसी भी ऑन एन ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, बोन्स ऑफ बैक राइट रिफ्लेक्ट होके किसी भी लाइट की रेजेस पड़ेंगे, देस एंटर, ये एंटर होती है हमारी आइज में. ठीक है, गिरने के बाद ही हमारी आइज में फिर गिरती है ऑन द रेटिना, हमारे रेटिना में. ठीक है, फ्रॉम एन इमेज, जहाँ पर यहाँ पर फॉर्म एक इमेज बनती है उस चीज़ की जो कि ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, हमारे सामने कुछ भी हो सकता है.
एंड व्हेन यू आई सी, और जहाँ पर हम देखते हैं समथिंग, ठीक है। बट इसी के अपीयर टू बी अपसाइड जो होता है इसका डाउन होता है, लाइक दिस। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ट्री की इमेज आ रही है, ये हमारे लेंस है, लेंस से रिफ्लेक्ट होके ये राइट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आई में, बट इसके जो हमारे पास अपीयर टू द अपसाइड है यहाँ पर इसकी इमेज डाउन होगी, ठीक है। ये हमारा रेटिना होता है, हमारी जो इट इज़ योर ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है ये टर्न करता है इस इमेज को द राइट वे, ताकि ये राइट वे अराउंड हमारे आईज हमें प्रोटेक्ट कर रही होती हैं बाय द आई लाइट्स, ठीक है। जैसे हमारी आई लैशेज हो गई, हमारी आई लैशेज हर वक्त हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है डस्ट वगैरह डैमेज होने से, किसी भी डेंजर से, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है। अगर आपने देखो हमारे सामने हाथ अगर अचानक से कुछ आ जाते हैं तो हमारी पलकें इस तरीके से बंद हो जाती हैं, यानी हमारी आई को प्रोटेक्ट कर रही होती है, बंद हो जाती है, क्योंकि हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुँचता है और हमारे ब्रेन फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हुए आई को बंद करता है, प्रोटेक्ट करता है, ताकि इसमें ड्रट डस्ट वगैरह हो गई, ट्रेंड पार्टिकल ऐसे जो कि डैमेज कर सकते हैं। ग्रेड फोर द फोर्थ लेक्चर इज एयर, एयर्स हमारे कान, हमारे एयर्स हमारी बॉडी पार्ट का जो वो हिस्सा है जहां हम अब साउंड को सुनने के काबिल होते हैं, यानी हम सुन सकते हैं कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे सामने कोई कुछ बोल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, बिना कानों के कोई कैसे सुन सकता है, ठीक है। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि हमारे पास एयर जो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हमारे दुनिया में आसपास जो कुछ हो रहा है हम उसको सुन सकें। इसके अलावा ये आल्सो हेल्प यू टू द बैलेंस, ठीक है। देन ये जो हमारे पास एयर है इसके थ्री स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं, तीन छोटी बोन्स होती हैं इन द ह्यूमन, हमारी बॉडी पार्ट में, हमारी बॉडी में, हमारे एयर में, हमारी जो बॉडी में एयर है इनमें थ्री स्मॉल्स बोन्स होती हैं। ये बोन्स क्या कहलाती हैं, जो कि फर्स्ट हमारे पास है दे आर द हैमर, द एनविल एंड द स्ट्रिप। लुक एट हेयर, ये पूरा ह्यूमन एयर हमारे पास है, इसमें थ्री बोन्स भी दिखाई गई है, इनर एयर भी है हमारे पास, इसके बाद बीच में मिडल एयर आता है, और हमारा ये आउटर एयर फर्स्ट, ये जो हमारा बाहरी वाला हिस्सा होता है ये रहा हमारा आउटर एयर, आउटर एयर के बाद जो थोड़ा अंदर जाता है हमारा मिडल एयर, मिडल एयर के बाद जो हमारा अंदर की तरफ जाता है वो होता है हमारा इनर एयर, जो कि जाके कांटेक्ट करता है हमारे ब्रेन के साथ कि हमारे ब्रेन को मैसेज वगैरह पहुँचा। द फिफ्थ लेक्चर इज नोज, ये फिफ्थ लेक्चर हमारे पास नोज, नोज जो है हमारे पास हैज द थ्री मेन फंक्शंस, इसके तीन हमारे पास मेन फंक्शंस होते हुए नोज, आपको पता है क्या, हमारा नाक, लुक एट हियर। ओके, फर्स्ट जो कि हमें हेल्प करता है यूज टू द ब्रीथ, हम जो सांस ले रहे होते हैं लाजमी, हम जो ऑक्सीजन हमारी जा रही होती है, सांस ब्रीथ कर रहे होते हैं, हमारे नोज़ की हेल्प से करते हैं। आप नाक बंद करो तो आपको ऑक्सीजन नहीं आएगी, आप सांस नहीं ले पाओगे। इसके अलावा ये क्या करता है, ये एयर को फिल्टर करता है, एयर को फिल्टर करता है व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं। हमारी जो नोज़ है इसमें टैनी हेयर्स होते हैं जो कि कहलाते हैं सिलिया ट्राइब, ये जो कि डस्ट को पकड़ते हैं हमारे बालों को, ताकि हम डस्ट वगैरह जो भी हमारे पास है एक एक मिनट में हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है इसको स्टॉप करते हैं एंट्रिंग होने तक, हमारे लंग्स तक ना पहुंचे। सेकंड, ये हमें अलाउ करते हैं स्मेल को, जो भी हमारी दुनिया में स्मेल है इसको हम फील कर सके, फ्रेग्रेंस हो गई वगैरह, कैसी खुशबू है, क्या है, ये हमें पता चल सके, क्योंकि ये हमारे अंदर खुशबू हमारे नोज़ से स्मेल करते हैं तो अंदर जाते तब हमें जाके पता होता है कि हाँ भाई ये किस चीज़ की खुशबू है या ये खुशबू कहाँ से आ रही है, स्मेल करने की सलाहियत रखता है। दूसरा यहाँ पर हमारे पास हो गया दिस के अंदर हेल्प, ये हेल्प करता है हमें टू द अलर्ट एज द डेंजर, डेंजर से भी हमें अलर्ट कर रहा होता है।
अच्छा, और थर्ड थिंग, आप जानते हैं इसका फंक्शन क्या होता है? हमारे नोज़ का, ये अलाउ करता है टेस्ट को भी जो कि हम खा रहे होते हैं, ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है? हम स्मेल करके हमें पता होता है कि हम क्या खाने वाले हैं और इसका टेस्ट क्या होता है, ये हमें इसमें भी हेल्प देता है। और ये हमारे पास सिक्स्थ लेक्चर, जो हमारे पास सिक्स्थ टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक है, वो है हमारे पास टंग, यानी हमारी ज़बान। लुक एट हियर, हमारी ज़बान हमें हेल्प करती है, हमारी टंग हेल्प करती है कि हम च्यूइंग कर सकें, चबा सकें हमारे फूड को खा के, हमें हेल्प करता है हमारे सलाइवा हमारे फूड को चबाने में। इसके अलावा जो हमारे टेस्ट बुड्स होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कि हमें पता चले जो कि हमारे के डिफरेंट फ्लेवर ऑफ फूड होते हैं, कि हमें पता चले कि ये कौन सा हम जो फूड खा रहे हैं इसका टेस्ट क्या होगा, खट्टा है मीठा है क्या इसका टेस्ट है, इसमें हमें हेल्प करता है। लाइक दैट, जैसे ये हमारे पास टंग है, इसमें अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, जो नीचे हमारे पास पिंक नज़र आ रहा है दिस स्वीट, ये जो लास्ट ग्रीन वाला ये बिटर, यानी हमारे पास कड़वा होता है, सो खट्टा होता है हमारे पास, एंड ये जो हमारे पास लाइट पर्पल कलर आ रहा है, ये हमारे पास सोल्टी, ये हमारे पास पार्ट होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम जो खाना खाया है, हमने जो फूड खाया है, जो हमारे मुंह में गया, ये हम माउथ में जाने के बाद, हमारे मुँह में जाने के बाद ये हमारे टंग से टच होता है, फिर हमारी टंग जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं ये बताते हैं, मैसेज पहुँचाते हैं हमारे ब्रेन तक, देन हमारा ब्रेन इस मैसेज को रिसीव करने के बाद बताता है कि हमने ये कौन सा फूड खाया है, इसका टेस्ट कैसा होगा। इसके अलावा हमारी टंग मसल होती है, वो भी एक मसल होता है, एंड ये स्ट्रोंगर मसल होता है हमारी बॉडी पार्ट का, ठीक है? एंड अदर, इसके अलावा और इंटरेस्टिंग अगर बात करें हमारी टंग के बारे में, तो यहाँ पर जो हमारी टंग हैज़ द यूनिक प्रिंट जस्ट लाइक अ फिंगर। ओके, ये लास्ट टॉपिक था, सो स्टूडेंट्स द एंड द चैप्टर टिल द नेक्स्ट चैप्टर, तब तक आप रीडिंग कीजिएगा एंड डू द होमवर्क एट होम सेफली।